नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े पर नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने समीर वांखेड़े पर ड्रग्स एंगल की जांच के बहाने बॉलीवुड से करोड़ों की उगाही करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने समीर वांखेड़े पर अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी पाने का भी आरोप लगाया है और समीर वांखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की मांग की है, जिसके बाद यास्मीन वांखेड़े समीर वांखेड़े के समर्थन में आ गई हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यास्मीन वांखेड़े कौन है और फिर बताते हैं कि उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों पर क्या कहा। अपने ट्विटर बायोडाटा के अनुसार यास्मीन वांखेड़े हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल लॉयर हैं और वांखेड़े कानूनी फर्म का हिस्सा है। वो महिला और बाल विकास के लिए दुर्गा नाम का एक एनजीओ भी चलाती हैं। नवाब मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार उसके बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर जी को एनसीबी डीजी ऑफिस में आज गए हैं, वहां अधिकारी डीजी साहब से शायद उनकी मुलाकात भी हो। जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहेंगे, परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट तो है। आज देखिए हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे आप, हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। इससे पहले नवाब मलिक द्वारा समीर वांखेड़े पर फोन टैप का आरोप लगा है और समीर वांखेड़े की पत्नी ने कहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं और अगर उनके यानी कि नवाब मलिक के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करें, तभी उस पर न्याय होगा। उनकी पत्नी ने कहा कि ट्विटर पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, वो सच नहीं हो जाएगा। हमें सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमें जान का खतरा है, हमें हमारे बच्चों को और मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।